सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो ये कंपाइलर आपको ओपन करना पड़ेगा। इस कंपाइलर का क्या नाम है? दिस इज टर्बो सी या सी प्लस प्लस, ठीक है जी। ठीक है जी, तो कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे? टर्बो सी या सी प्लस प्लस हम कंपाइलर यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, ठीक है जी। तो आपको नहीं, जब आप इस कंपाइलर को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होके आएगी। इसमें देखो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होता है? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। आपको हेलो प्रिंट कराना है। तो हेलो कैसे प्रिंट कराते हैं? सबसे पहले हम एक हेडर फाइल यूज करते हैं, हैश इनक्लूड एसटीडीआई डॉट एच। सभी को दिख रही है हेडर फाइल? सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है जी, इस हेडर फाइल को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें दो फंक्शन अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से? प्रिंट एफ एन एनएफ। अब जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज इसके तरफ ध्यान दीजिए, मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा, तो आज मैं उन स्टूडेंट्स को दोबारा से सिखा रहा हूँ ये। तो सबसे पहले हेडर फाइल stdio.h नाम की हेडर फाइल होती है, इसको आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। इसमें दो फंक्शन अवेलेबल होते हैं, प्रिंट एफ एन स्कैन एफ। दूसरी हेडर फाइल कौन सी होती है? conio.h। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिएगा आप, ठीक है जी। इस हेड पहले वाली हेडर फाइल में दो फंक्शन थे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। और इस हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? गेट सेज और क्लियर स्क्रीन। आप किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। हां जी स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? हां जी प्लीज बोलिए। नो सर। नहीं चलो, आपको तो डाउट नहीं है ना, बाकी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? सर हां जी प्लीज बोलिए। हां जी बोलिए, कोई डाउट है या मैं आगे चलूं? आगे चलो सर। हाँ तो प्लीज बताते रहना, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बाद में ये ना हो कि पूरा चीज समझाने के बाद में पता लग रहा आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या राइट करा? वर्ड मेन, ठीक है। यहाँ तक आपको हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना हो तो किसका यूज करेंगे? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ किस काम आता है? किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए। अब जो आपने डबल कोट्स में डाला है वो एज इट इज आंसर के रूप में आ जाएगा। इसके बाद इसको क्या मिला? गेट सी एच एन क्लोज। देखो सबसे पहले हेडर फाइल है stdio.h, जिसमें दो फंक्शन होते हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। प्रिंट एफ नाम का फंक्शन किसी चीज को प्रिंट कराने के काम आता है, स्कैन एफ नाम का फंक्शन किसी चीज को यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। इसके बाद हमने क्या राइट करा? वर्ड मेन राइट करा। प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट की जाती है, ब्रेस से स्टार्ट। किसी चीज को प्रिंट कराना हो तो कौन से फंक्शन का यूज करते हैं हम? प्रिंट एफ। डबल प्रिंट में जो आप डालोगे वो चीज एज इट इज आंसर के रूप में आ जाएगी। अब बात करते हैं गेट सी एच नाम का फंक्शन हम क्यों लगाते हैं। देखो अगर मैं गेट सी एच नाम का फंक्शन नहीं लगाऊंगा तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करवाऊंगा तो क्या आपके पास आउटपुट स्क्रीन आएगी? वो आउटपुट स्क्रीन आपके पास रुकेगी? नो सर। रुकेगी नहीं, तो किसी भी आउटपुट वाली स्क्रीन को रोकना चाहते हो तो कौन से फंक्शन का यूज करना पड़ेगा आपको? फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। अब आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जो आपने डबल कोट्स में आपने क्या डाला है? हेलो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा। अब डबल कोट्स में मान लो मैं बी टेक डालता हूँ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? बी टेक आ जाएगा। अब दिख रही होगी आपको स्क्रीन, उसमें पीछे वाली आउटपुट आपके पास आ रही है, तो पीछे वाली आउटपुट को हटाने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? मैं यहाँ लगा रहा हूँ सी एल आर एस सी आर। ये वाला फंक्शन कौन सी हेडर फाइल में होता है? conio.h फाइल में होता है। आंसर क्या आ रहा है? बीटेक। आपके पास पीछे वाली आउटपुट आ रही है? नो सर। ठीक है जी, तो पीछे वाली आउटपुट को हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम? क्लियर स्क्रीन फंक्शन का हम यूज करते हैं। और अगर आपने इस फंक्शन को लगा दिया और ये वाली हेडर फाइल अगर आपने यूज नहीं करी तो आपके पास क्या शो करेगा? हटा दोगे तो आप प्रिंट एफ नाम का फंक्शन यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि printf function should have a prototype. ये कौन सी header file में होता है? stdio.h नाम की header. stdio.h. ठीक है students, यहाँ तक सर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि आपके पास 12th में आपके पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए हम धीरे धीरे करके इन चीजों को सीखेंगे. एकदम से चीजें आपको नहीं आएंगी, आप वीडियो भी नहीं देखोगे तो वैसे भी चीज समझ में नहीं आएगी आपको. तो अब मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ, तो प्लीज बोलिए अगर आपको कोई डाउट है तो. हाँ जी स्टूडेंट्स, है कोई डाउट? नो सर. नो सर. अब तो बोल दीजिए प्लीज, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन पुट करने के लिए. जो आपका क्वेश्चन है प्लीज आस्क द क्वेश्चंस. फिर ये ना हो कि सर हमारे को एफसीपीसी समझ में नहीं आ रही, एफसीपीसी की क्लास हमारे को समझ में नहीं आती, तो प्लीज अभी बोल दीजिए जो प्रॉब्लम है आपको ना. जो आपको डाउट है प्लीज अभी बोल दीजिए. है कोई डाउट? नहीं है? नो सर. नहीं, फिर बाद में डाउट्स आ जाते हैं ना आपको कि एफसीपीसी की तो क्लास समझ में नहीं आ रही. चलो ठीक है. अब देखो 2 नंबर का सम करना चाहते हैं, तो कितने वेरिएबल लोगे आप? 2 नंबर का सम करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए आपको? देखो एक तो 2 नंबर चाहिए और एक तीसरे में उसका रिजल्ट जाएगा. कितने वेरिएबल चाहिए? 3. क्या टीचर क्यों लिखा गया है? इनके आगे टीचर क्यों लिखा गया? क्योंकि जो हम नंबर लेंगे एक्स वाई एंड जेड को हम किस टाइप का लेके चलेंगे? इंटीजर टाइप की. इंटीजर का मतलब बिना डेसिमल वाली वैल्यूज, मींस जैसे मैंने 10.0 लिखा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी इंटीजर के अंदर. सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे 10 एग्जांपल ले लिया मैंने, 20 ले लिया, लेकिन 30.0 नहीं आएगा. 30.0 कौन सी वैल्यू होती है? कोई और फ्लोट वैल्यू. ठीक है जी. अब देखो एक्स के अंदर मैंने क्या है इंसर्ट कराया अभी, 10. प्लीज इसको ध्यान से देखिए. देखो 10 की वैल्यू उठ के कहाँ चली गई? x के पास चली गई. और ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है. ये क्या करता है? राइट हैंड साइड के अंदर जो चीज है उसको कहाँ डाल देता है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डाल देता है. तो x के अंदर कितना आ जाएगा? 10. y के अंदर कितना आ जाएगा? 20. हैंड के अंदर क्या आ जाए? x प्लस y आ जाए. x के अंदर कितना है? 10. y के अंदर कितना? 20. रिजल्ट गोज टू किसके पास? दिखाई देती है. आंसर के रूप में मेरे को क्या दिख रहा है? बट मेरे को क्या चाहिए? जेड की वैल्यू चाहिए. तो किसी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम किसका और किस टाइप की वैल्यू में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ? इंटीजर टाइप की वैल्यू जेड की. तो ही आपके पास आंसर 30 आ पाएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर जो है वो 30 नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जहां तक अब किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो. हाँ जी, जहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो. चाहे वो यशराज हो, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो किशन हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अजय हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, एक्स वाई जेड, प्लीज आप बता सकते हो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो. हाँ जी, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर. कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर. नो सर. किसी को कोई डाउट है प्लीज बोलिए. नो सर. अब 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन करना हो तो क्या करोगे? x minus y कर देंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा ना. सब्सट्रैक्शन करने के बाद आंसर कितना आएगा? -10. आंसर इज व्हाट? -10. -10 ही आ रहा है ना? यस सर. मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर दूं तो 200. आंसर क्या आ रहा है? 200 आ रहा है. ठीक है जी, तो प्लस का सिंबल आपको यूज करना आ गया, माइनस का यूज करना आ गया, मल्टीप्लाई का यूज करना आ गया. अब बात करते हैं किसकी? डिवाइड वाले सिंबल की. डिवाइड का क्या मतलब होता है?
से 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा. बट अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? अगर मैं यहां पे 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? देखो पहली संख्या कौन सी? 4. 4 पहली संख्या 4.5 नहीं आया. इंटीजर है सर. ध्यान देना यहाँ पे इंटीजर को अगर मैं इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट इज व्हाट? इंटीजर आएगा. अगर मैं इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट कितना? फ्लोट का मतलब डेसिमल वाली वैल्यू. तो जहां पे भी एक डेसिमल वाली वैल्यू आएगी वहां पे आंसर क्या आएगा? एक डेसिमल वाली वैल्यू आएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे कोई डेसिमल की वैल्यू है? 9 को 2 से डिवाइड करूंगा कोई पॉइंटो वाली वैल्यू है? 200. तो आंसर कितना आएगा? 4. आंसर 4. जब मैं इसको आंसर देखूंगा तो आंसर कितना आ रहा है? 0. क्यों आ रहा है? देखो 10 था आपके पास. 10 को किससे डिवाइड करा आपने? 20 से. तो कितना आएगा? 0.5 आएगा ना? क्या 0.5 आएगा? No, जीरो वैल्यू तो आएगी नहीं ना, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है? जीरो. अगर एक्स के अंदर 9 डालते हो, अगर आपने एक्स के अंदर 9 वैल्यू इंसर्ट कराई, वाई के अंदर 2 वैल्यू इंसर्ट कराई तो आंसर इज व्हाट? 4. आंसर 4 ही आएगा. ठीक है स्टूडेंट. जीरो करेंगे तो है 0.0. हां देखो 9.0 मैंने कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट में आएगा ना? जी. और रिजल्ट किसके अंदर जाएगा? जेड के पास जाएगा. तो जेड भी किस टाइप का हुआ? फ्लोट. अब आंसर देखना कितना आएगा? 4.5. पॉइंटो के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एफ लिखना पड़ेगा ना? Yes, sir. देखो z फ्लोट टाइप का और x भी फ्लोट टाइप का है, तो किसी फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटेज f का यूज करते हैं. अब आंसर देखो जो आपको चाहिए था वो आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. एक भी चीज को फ्लोट बना लो चाहिए, आप किसी भी चीज को बना लो, x को मत बनाओ, आप y को भी बना सकते हो या तीनों को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो फ्लोट लिखा मैंने और x कोमा y कोमा मैंने z लिख दिया. 9.0 करा मैंने और 2.0 कर दिया मैंने. आंसर इज व्हाट? फ्लोट वाली वैल्यू ना. फ्लोट को फ्लोट से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फ्लोट. 4.something. अब बताते हैं 4.5 है, उसके बाद 5×0. देखो डॉट के बाद टोटल कितनी डिजिट्स आएंगी? 6 डिजिट आएंगी. ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वो परिणाम आपको बताऊंगा आगे. यहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आस्क द क्वेश्चंस. हां जी है कोई डाउट? नो सर. कोई डाउट नहीं है? नो सर. जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बोलिए, तो ही मेरे को पता चल पाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा. बोलोगे नहीं तो मैं क्या समझूंगा, इसका मतलब क्या होएगा कि आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी प्लीज थम्स अप करो सारे जिसको समझ में आ रहा है. रेज योर हैंड नहीं करना, थम्स अप करना है. नवनीत को नहीं आ रहा. ये कौन है? गैलेक्सी का जो फोन है उसको भी नहीं आ रहा क्या? अब किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा? आस्क द क्वेश्चंस. तो सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोल दो. यस सर. यस सर. दो चार पांच स्टूडेंट्स बोलते हैं, उसके बाद ये लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन पता चलता है सबको समझ में ही नहीं आ रहा. तो यार आप क्वेश्चन पुट करो ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो ही तो पता चल पाएगा. अब आपके मन की बात मैं कैसे समझ पाऊंगा? आप कुछ बोलोगे तो मैं समझ पाऊंगा. अब जिस स्टूडेंट्स ने 2 दिन पहले भी ज्वाइन करा उसको समझ में आ रहा है?
जी स्टूडेंट्स ने दो तीन दिन पहले एक हफ्ता पहले अगर ज्वाइन करा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी आ रहा है। दो दिन पहले उस दिन तो कह रहे थे मैं दो दिन पहले ज्वाइन हुआ हूँ, मैं एक हफ्ता पहले ज्वाइन हुआ हूँ, तो उनको समझ में आ रहा है क्या? यस सर, कपिल कुमार और मनमोहन ने लिखा यस सर। चलो ठीक है जी, आप बोल ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। चलो कृष्ण देव का भी आया, गौरव का भी आया, चलो ठीक है जी। अब देखिए नाइन है और टू है, अगर मैं इसको कौन सा वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डिवाइड की जगह आपकी बार कौन सा सिंबल यूज करता हूँ, मॉडुलस सिंबल यूज करता हूँ। मॉडुलस सिंबल किस काम आता है? रिमाइंडर निकालने के लिए। नाइन को अगर मैं टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? वन। किस टाइप की वैल्यू? इंटीजर टाइप की ना, तो यहाँ पे किसका यूज करूंगा? परसेंटेज डी। ठीक है, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जो भी आपके पास होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? वन आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है 8 को 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 0 ना, 8 0 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर। इसका आंसर कितना आएगा? 0 0 और डिवाइड का केस यूज करूंगा तो यहाँ कितना आंसर आएगा? 4 तो डिवाइड के केस में आंसर इज 4, बट यहाँ पे परसेंटेज का जो मैं सिंबल लगाता हूँ इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑपरेटर। ये किस काम आता है? रिमाइंडर निकालने के काम आता है। तो 8 को 2 से डिवाइड करूंगा कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो आंसर इज व्हाट, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 0 आंसर आएगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको चार प्रोग्रामर एक हेलो के प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, इस इन पांच प्रोग्रामों में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है कोई डाउट? नो सर। चलिए चलो अब हम स्वैपिंग करते हैं। स्वैपिंग का प्रोग्राम करा था ना मैं डिस्कशन? Yes, sir. फाइल्स के पास जैसे स्वैपिंग कैसे करते हैं, देखो तीन वेरिएबल ले लिया आपने, x के अंदर क्या वैल्यू इंसर्ट करा दी? 10। y के अंदर कितने वैल्यू इंसर्ट करा दी? 20। अब स्वैपिंग कैसे करोगे, z के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए? x की। x के अंदर कितना है? 10, तो z के अंदर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मैं साइड में लिख भी रहा हूँ। और y के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए? y के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए? Z कितना है? 10। 10 उठ के कहाँ चला जाएगा? Y के पास। Y के पास कितना आ गया? 10। या कुछ और रह गया बीच में? हाँ जी। Yes sir। क्या लिखे यहाँ पे? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ Z की जगह अगर मैं X लिख दूँ तो कोई डाउट है? No sir। X की वैल्यू उठ के कहाँ चलेगी? Y के पास। X के अंदर कितना था, ध्यान दीजिए, X के अंदर कितना था? 10। तो 10 कहाँ आ गया? Y। और जो Z की वैल्यू थी? देखिए एक बार इस केस को हम ध्यान से देखते हैं। एक बार देखो, हमने तो दोनों बार X X लिख दिया हमने, तो यहाँ पे दोनों बार X X लिख दिया ना हमने यहाँ पे। Yes sir। तो गलत है ना ये चीज, दोनों बार एक्स एक्स तो आएगा नहीं। देखो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू कहाँ डाल दी, कहाँ इंसर्ट करा दी? जेड के पास। तो जेड के पास कितना आ जाएगा? 10। और वाई के पास कौन सी वैल्यू आ जाए? एक्स वाली। यहाँ वाई वाली वैल्यू कहाँ चली जाए? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो अब कोई डाउट है? अब क्या होगा, इससे क्या होगा? वाई की वैल्यू एक्स के पास चली जाएगी। वाई के पास चली जाएगी, तो वाई मतलब 20 किसके पास चला जाएगा? X के पास। के पास कितना आ जाएगा? 20। फिर यहाँ क्या लिखूं? Y equals to Z। अगर मैंने ऐसे लिखा तो अब क्या आंसर आएगा? Y equal to 10। Z की वैल्यू कहाँ जा रही है?
y के पास कितना आ जाएगा? N आ जाएगा, आ जाएगा ना. तो क्या स्वैप देखो, x के पास 10 था बट अब x के पास कितना आ गया? 20 आ गया. y के पास 20 था तो y के पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना. यस सर. प्रिंट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर. क्या लिखोगे यहाँ पे? परसेंटेज डी. दोनों को प्रिंट कराओगे तो दो बार लिखोगे परसेंटेज डी. एक किसके लिए? एक्स के लिए. किसके? एक्स और वाई. वाई के लिए. आंसर इज व्हाट? 2010. हाँ जी. अब ये इंटरचेंज करना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप. ये समझ में आ जाएगा तो आगे के प्रोग्राम आपको इसलिए समझ में आ जाएगा. आप बताइए. सर आप बोलो आपके क्वेश्चंस. सर 20 और 10 प्रिंट कराना है, सीधा ही करा देंगे फिर ये स्वैपिंग करने की क्या जरूरत है? अच्छा बात करने हैं, बात करते हैं. अगर मेरे को 20 और 10 ही प्रिंट कराना है, ठीक है, अगर मेरे को 20 और 10 ही प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्ट ही प्रिंट करा दूंगा. तो डायरेक्ट प्रिंट करा दूंगा तो फिर लॉजिक किसको बोलते हो? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एक 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 मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि एक जो शादी में उड़ने वाला क्वाडकॉप्टर बोलते हैं जिसको आप, मैं कहता हूँ कि वो 10 मीटर तक ऊपर जाएगा लेकिन मैंने उसकी प्रोग्रामिंग 20 मीटर तक कर दी तो वो 20 मीटर ऊपर जाएगा कि 10 मीटर ऊपर जाएगा? जो मैंने उसकी प्रोग्रामिंग सेट करी उसी के अकॉर्डिंग तो वो काम करेगा ना. अब देखो देखो चलो बात ही स्वैपिंग की, स्वैपिंग ऐसे होती है, बात ही 20 और 10 प्रिंट कराने की, वो हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यू डाल के प्रिंट करा सकते हैं ना. अब आपको ये कहा जाए कि इसकी स्वैपिंग करो या इंटरचेंज करो किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को, तो आप कैसे कर पाओगे? आपको किसी कंपनी ने ये कहा कि आप ना दो वैल्यू को इंटरचेंज करके दिखाओ, जो एक्स के अंदर वैल्यू थी वो वाई के अंदर डाल के दिखाओ और जो वाई के अंदर वैल्यू थी वो एक्स के अंदर डाल के दिखाओ, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? सीधा ही लिख दोगे कि x के अंदर 20 था, y के अंदर 10 था. मैंने एग्जांपल लिया है. हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको ये कहा जाए कि दो वैल्यू, जो x के अंदर वैल्यू थी और जो y के अंदर वैल्यू थी, y वाली वैल्यू x के अंदर आ जाए, x वाली वैल्यू y के अंदर आ जाए, ऐसा कुछ करके दिखाना है. तो आप क्या करके दिखाओगे? तो आप स्वैपिंग करके दिखाओगे ना. अब चीज समझ में आई आपको? चलो और कोई डाउट? और कोई डाउट हो आपके माइंड में? अब बात आते हैं, देखो ये प्रोग्राम आप क्यों सीख रहे हो? प्रोग्राम से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास में रिपीट करा था. देखो ये प्रोग्राम, ये स्वैपिंग के प्रोग्राम, ये ए प्लस का प्रोग्राम, माइनस का प्रोग्राम, आप तो कहोगे कैलकुलेटर भी हमारे पास अवेलेबल है तो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे ना. 4 + 5 = 9, 9 हमारे पास आंसर आ रहा है. अरे उस कैलकुलेटर की भी तो प्रोग्रामिंग की गई होगी, किसी ने बनाया होगा तो उसको पीछे प्रोग्राम तो सेट करे होंगे ना, कि जब आप पहला नंबर लोगे फिर आप प्लस का बटन दबाओगे फिर दूसरा नंबर लोगे तो आपके पास दोनों का सम आ जाएगा, तो किसी ने तो उसकी प्रोग्रामिंग सेट करी होगी ना. तो आप ऐसे अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए उस प्लस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो जैसे कैलकुलेटर में करा गया है, या एक स्वैपिंग का मेरे को बटन बनाना है कि मैं पहला नंबर डालूं फिर मैं दूसरा नंबर डालूं, मैं स्वैपिंग वाले बटन को प्रेस कर दूं तो उल्टा आ जाए, रिप्लेस हो जाए वैल्यू ना, उल्टा का मतलब रिप्लेस हो जाए, स्वैप हो जाए वैल्यू, इंटरचेंज हो जाए वैल्यू. तो हम एक ऐसा बटन भी तो बना सकते हैं ना जिससे आप दो नंबर, जो आपने फर्स्ट नंबर डाला जो आपने सेकंड नंबर डाला उसका आपस में इंटरचेंज हो जाए, एक बटन से ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए. तो वो बटन तो आपको बनाना पड़ेगा ना, उसके पीछे की आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. वो प्रोग्रामिंग तो प्रोग्राम से होगी ना, और प्रोग्राम से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट से क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा ना. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. सर तीन नंबर की भी कर सकते हैं स्वैपिंग? हाँ तीन, देखो तीन से कर लो, चार से कर लो, कितने से भी कर लो. अब आप वो आपके माइंड का क्वेश्चन है ना, अब आप तीन से करना चाहते हो तो चार वेरिएबल ले लो उसमें करके देखो, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आपके और बढ़ जाएंगे. तो ऐसे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दो नंबर की ही कर सकते हो, तीन नंबर की स्वैपिंग भी हो सकती है. अब आप उसके लिए लॉजिक बनाओ ना कि ऐसे इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ आएगी तो स्वैपिंग होगी तीन नंबर की. तो वैसे वैसे आप लिखिए और उसको प्रोग्राम को रन करा के देखिए.
ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ कोई डाउट हो तो प्लीज, कोई डाउट है तो आस्क द क्वेश्चंस। सर ये जो एप्लीकेशन है टर्बो सी प्लस, इसको जब हम रन कराते हैं तो नेट की जरूरत होती है या फिर वैसे ही हो जाता है रन? नहीं वैसे ही रन हो जाता है, ये ऑफलाइन है जो ये टर्बो सी या सी प्लस प्लस है, ये ऑफलाइन है। रही बात आपको ऑनलाइन करवाने की, ऑनलाइन गूगल में जाइए लिखिए ऑनलाइन सी प्रोग्राम रन, तो आप ऑनलाइन भी सी के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। बात आती है टर्बो की, तो टर्बो ऑफलाइन काम करता है। अब बताइए और कोई डाउट हो तो। नो सर। टर्बो का सर कोई और वर्जन नहीं है इसका? बहुत सारे वर्जन थे पहले, बोरलैंड आया मार्केट में, फिर टर्बो आया, अब जीसीसी कोई बढ़िया ग्राफिक्स में। हाँ ग्राफिक्स बढ़िया हूँ जी। ग्राफिक्स क्या? हाँ बढ़िया हूँ जी। नहीं ग्राफिक्स जिसमें बढ़िया हो यार, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैंने टर्बो से करा रहा हूँ, मैं आपको एक चीज से तो प्रोग्राम रन करा के दिखा रहा हूँ ना, आप ऑनलाइन कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा बेस्ट चीज लगती तो आप ऑनलाइन भी प्रोग्राम को रन करा सकते हो, वो आपके कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है यार। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, और कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। यस सर। यस सर। तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, इतना ही रिवाइज करेंगे, अब हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, या कोई डाउट है तो प्लीज अभी भी बोल दीजिए, नहीं तो थैंक यू।